नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आपका पल पल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वैरागन डेलिफ जैन के तिलक रस्म समारोह में उमड़ा जन सैलाब, श्रद्धालुओं ने तिलक लगाकर वैरागन को दिया आशीर्वाद। महासाधु श्री मीना जी महाराज की वैरागन डेलिफ जैन का आज तिलक रस्म समारोह रतिया के जैन स्थानक में आयोजित किया गया। इस समारोह में रतिया के अलावा बुढ़लाडा, सरदुलगढ़, मानसा, नाभा, जलंधर, बोहा, जाखल व अन्य कई स्थानों से हजारों लोगों ने कई शहरों से श्रद्धालुओं के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर सभी जैन साध्वियों ने भी दीक्षा लेने से पूर्व डेलिफ जैन के वैरागन को अपना आशीर्वाद दिया। समारोह के दौरान डेलिफ जैन ने धर्म के माता पिता रतिया निवासी दुर्गादास गर्ग व शकुंतला गर्ग को तिलक लगा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया व उनको सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान जैन श्रद्धालुओं में अति उत्साह था और जैन स्थानक का हाल भी पूरा खचाखच भरा हुआ था। वैरागन को तिलक करने के लिए काफ़ी श्रद्धालुओं ने रात को ही अपने शहरों से रतिया में आ गए थे। जैन साध्वियों ने बताया कि वैरागन डेलिफ जैन पिछले कई सालों से उनके पास रह रही है और जैन धर्म के विभिन्न क्रियाकलापों को सीख रही है और 13 अक्टूबर को दीक्षा के बाद वैरागन साध्वी बन जाएगी। उन्होंने प्रवचन के दौरान वैरागन को जैन धर्म के नियमों के बारे में विस्तार से बताया। साध्वियों ने कहा कि दीक्षा लेना खांडे की धार पर चलने के समान है और दीक्षा लेने के बाद उसे पूरा निभाना भी एक तरह से लक्ष्य बन जाता है। समारोह में मंच का संचालन DPI हॉस्टल के प्रधान सुरेश जिंदल ने किया। अब देख रहे हैं रतिया पलपल से राजेंद्र मित्तल की ये रिपोर्ट। जाती है कई बार ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि घर में